हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग करेंगे वाटर कलर। ओके, देखो ये मेरा एक छोटा सा स्केच बुक है और ये बिल्कुल A5 से भी छोटा है। ठीक है, पेपर जब हम खरीदते हैं ना, उसमें से जो कट पीस निकलता है अपने कंफर्ट के हिसाब से, पेपर जो काटते हैं उसके बाद जो बचता है छोटा सा, उसको भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह से स्पायरल वगैरह करके। जैसे दिखाता हूँ, देखो जितना पेपर मैं काटता हूँ ना, उसमें से हर पेपर से ये एक छोटा सा निकलता है। उसको क्या किया, इकट्ठा करके उसको स्पायरल कर दिया। अब ये छोटा सा एक वाटर कलर का स्केच बुक बन गया। तो पेपर को यूज करना सीखो, फेंकना नहीं है कि अभी ये छोटा हो गया, इसमें बन सकता है। ये मेरा स्केच बुक है, अभी दिखाता हूँ, इसमें मैंने बहुत कुछ बनाया है। और इस तरह का स्केच बुक बहुत सारा है, छोटा छोटा, जिसमें मैं उसको यूज करता हूँ, उसमें पेंट करता हूँ। ठीक है, और आज हम लोग बनाने वाले हैं फ्लावर। तो फ्लावर छोटा सा बनाएंगे, एकदम बेसिक लेवल वाला वाटर कलर होगा। जिसको भी वाटर कलर को शुरू करना है, बेसिक वाटर कलर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। बहुत स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसमें जो बना है वो देख लो पहले। देखो इसमें मैं ट्राई करते रहता हूँ। आप बहुत लंबा चौड़ा कोई पेंटिंग नहीं बना सकते, छोटा छोटा सा कुछ बना सकते हो। ये मेरा खुद का मेरा चश्मा है, ये सब वाटर कलर है। ठीक है, ये सब स्टडी करने के लिए, किसी चीज को छोटा सा ऑब्जेक्ट वगैरह को ट्राई करने के लिए ये पेपर आपको हमेशा काम आएगा। बड़े पेपर को बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, एक अच्छा खासा पेंटिंग भी बना सकते हैं। ओके, बाकी इधर भी है। अगर मेरा पूरा स्केच बुक देखना है आप लोगों को, तो कमेंट करके बताना। किसी वीडियो में मैं पूरा स्केच बुक्स जितने हैं मेरे पास वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, आज का रेफरेंस दिखाता हूँ। आज हम लोग ये करेंगे, है ना? तो ये बहुत ही बेसिक है और बड़े आराम से पेंट करेंगे। वीडियो बहुत छोटा होगा, तो जो भी वाटर कलर सीख रहे हैं ना, उनके लिए आज का वीडियो है। स्ट्रोक्स कैसे लगाना है, कलर को मिक्स कैसे करना है, और कंप्लीट पेंट कैसे करना है वाटर कलर के साथ। ओके, तो ये पैलेट है। मैं सबसे पहले मैं इसको फटाफट ड्रॉ कर लेता हूं। बहुत लोग कह रहे थे कि सर फ्लावर पेंट करना सिखाइए। अगर देखो, फ्लावर को वाटर कलर के साथ बनाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वाटर कलर ऐसे भी है टफ और ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसलिए फ्लावर को अगर पेंट करना सीखते हैं तो पहले एकदम बेसिक लेवल से सीखिए, क्योंकि जिस चीज़ को बना रहे हैं ना, उसका नेचर जानना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्लावर्स का जो नेचर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो आप जब पेंट करते हैं तो वो सॉफ्टनेस आपके पेपर में दिखना चाहिए, पेंटिंग में दिखना चाहिए, उसका नेचर जिस चीज़ को पेंट कर रहे हैं। ऐसे उठा के बेधड़क पेंट नहीं कर सकते, है ना? तो पहले छोटा छोटा फ्लावर्स को पेंट कीजिए और देखिए कि क्या सॉफ्टनेस आता है, आप कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद कोई भी आप थोड़ा लंबा चौड़ा ले सकते हैं रेफरेंस। सीखने का ये एक तरीका है, ठीक है? पेंटिंग बनाने के लिए पहले सीखना पड़ता है, सीधे पेंटिंग नहीं बनाना चाहिए। सीधे बनाओगे तो हमेशा जो अभी बन रहा है वो 5 साल के बाद भी वही बनेगा पेंटिंग। इसलिए कोशिश करो कि थोड़ा दिन सीख लो और फिर पेंट करो। ओके, ये ड्रॉ कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे एक या दो ब्रश चाहिए, ज़्यादा नहीं, कोई भी नॉर्मल ब्रश के साथ आप पेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जो कलर दिख रहा है मैं उसको गीला करता हूँ। ओके, थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, गैम्बोज यूज होगा, स्कारलेट रेड यूज होगा, बहुत ज़्यादा कलर यहाँ पर नहीं है। तो
क्या है यहाँ पे क्रिम्सन लेक आपको यूज करना है। क्रिम्सन लेक का डार्क शेड और लाइट शेड दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। इसको पहले थोड़ा सा एक लाइट वॉश दो, एकदम बेसिक लेवल में जिस तरह से वाटर कलर को पेंट करते हैं, जैसे शुरू करते हैं, बस वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ साथ पेंट करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लाइट वॉश दे दिया इसमें। अब कलर बनाओ इधर, ऊपर के तरफ लाइट है फ्लावर में और नीचे के तरफ डार्क है, तो आपको क्या करना है, यहां से कलर अप्लाई करना है। ओके, ब्रश को करो क्लीन और इस वाले कलर को स्प्रेड करो। ब्रश को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत एकदम लाइटली काम करना है और हमेशा ध्यान रहे कि आप ड्राई ब्रश को नहीं चलाएं, आपका ब्रश हमेशा गीला होना चाहिए। ओके, अभी थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा है, हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे कुछ सेकंड तक। तब तक हम क्या करते हैं, पेंट देखो वाटर कलर करते हो तो थोड़ा फास्ट चलना ही पड़ेगा आपको। सैप ग्रीन लेते हैं और गैम्बोज लेते हैं। क्या करो, लीफ में पहले एक लाइट वॉश दे दो, उसके बाद दिया लाइट कलर और यहाँ पे डार्क शेड भी दिख रहा है, तो सैप ग्रीन ले लो और इधर थोड़ा सा आपको कोबाल्ट ब्लू देने का है। अच्छा, अल्ट्रा मैरिन भी दे सकते हैं, या अगर आप थोड़ा ब्राउनिश वाला फीलिंग डालना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप ब्रंश याना ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ब्लू ही हो। लेकिन अगर मैं जैसे बना रहा हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ब्लू लेना है, कोबाल्ट ब्लू या फ्रेंच अल्ट्रा मैरिन है आपके पास तो वो ले लो। ठीक है, क्या किया, लाइट कलर जो था ना उसको ड्राई होने से पहले मैंने डार्क को अप्लाई कर दिया, तो वो दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो गया, रिलेशन बन गया है, वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, वो लाइट और डार्क दोनों मिक्स हो गया आपस में। अब ये क्या हो रहा है, ये ड्राई हो रहा है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं क्रिम्सन लेक का। अब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा फिर से, तब तक हम क्या करते हैं, इसका स्टेम बना लेते हैं। तो हमको दिख रहा है ब्रंशियाना दिख रहा है, पहले ब्रंशियाना का एक लाइट कलर को अप्लाई कर दो। लाइट और डार्क अगर आपने कहीं एक जगह दिखाया है तो पूरे पेंटिंग में होगा, याद रखना।
ठीक है। अब मुझे इसको डार्क करना है, स्टेम में भी मुझे दिखाना है थोड़ा सा वैल्यू कलर का। तो ये जो ब्रंश है ना, इधर आपको ब्लू थोड़ा सा लेने का है, ब्रंश आना को डार्क करो, यानी कि थोड़ा ब्लैक जैसा फील आए। अब ऊपर में क्या होगा, फ्लावर का शेडो नीचे आ रहा होगा, लाइट हम लोगों ने किधर से लिया है, इधर से लिया है, तभी तो इस पे भी लाइट लेफ्ट साइड है। इसीलिए स्टेम में जो भी लेंगे हम लोग डार्क एरिया, इसका राइट साइड में लेंगे। और इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, इसमें डिटेल करोगे तो फिर ये ज़्यादा दिखने लग जाएगा। थोड़ा सा वाटर कलर है तो डिटेल नहीं करना होता, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग डाल सकते हैं टेक्सचर वगैरह का। ओके, अब ये फ्लावर ड्राई हो गया होगा, इसमें मैं लेता हूँ थोड़ा क्रिमशन लेकर थोड़ा स्कारलेट ले लेता हूँ। इस बार जो कलर होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है। तो अंदर में मुझे क्या दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा रेड दिख रहा है क्योंकि उसको धूप नहीं मिल रहा है। नीचे से थोड़ा रेडिस वाला फीलिंग है, स्कारलेट रेड वाला फीलिंग है। ब्रश को करो क्लीन और ये जो बन रहा है इसको अच्छे से मर्ज कर दो, ठीक है। अब इधर इस कलर में आपको क्या लेना है, थोड़ा सा ब्लू लेना है जो अभी बनाया था आपने, कोबाल्ट ब्लू ले लो। और क्या है, इस वाले पेटल का शेडो नीचे आ रहा है, यहां पर भी दिख रहा है। ओके, अब हम लोग फाइनली थोड़ा सा वाइट लेते हैं। वाइट जब भी यूज करें बिल्कुल एक्रेलिक की तरह यूज करें, एकदम थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। वाटर कलर में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10% वाइट यूज करना अलाउड है, तो यूज करो लेकिन ज़्यादा नहीं। देखो ये जो भी मुझे लग रहा है कि इसका हाइलाइटेड एरिया होना चाहिए, थोड़ा टेक्सचर होना चाहिए। ये वाटर कलर है, वाटर कलर में काम कम करना होता है, दिखाना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा मेन मेन पॉइंट को ज़्यादा पकड़ना होता है। ओके, इससे ज़्यादा हम लोग इसमें और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को पहले अगर पेंट करना सीखते हो वाटर कलर में, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को पहले पेंट करना सीखो, और फ्लावर भी पेंट करना चाहते हो तो पहले कोई एकदम सिंपल वाले को बनाओ, है ना। देखो आप कितना सॉफ्ट बना पाते हो, उसके जैसा बना पाते हो कि नहीं, उसका जो नेचर है वो आपके पेंटिंग से मैच कर रहा है कि नहीं। फिर थोड़ा लूज में लेना, और कोई थोड़ा बड़े साइज को लेना या थोड़ा लंबा चौड़ा रेफरेंस को लेना। तो ये होता है पेंट करने का तरीका। इसी तरह बेसिक में और आप लोगों को सीखना है अगर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि बेसिक वाटर कलर में ज़रूर बताइए। ओके, आप लोग अगर मेरा ऑनलाइन क्लासेस ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वाटर कलर में, 3 मंथ का एक ट्रेनिंग है जिसका फीस मैंने बहुत ही मिनिमम रखा है अभी कुछ टाइम के लिए। तो अगर वाटर कलर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यह नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन में, जाके मुझे मैसेज करना। 1 टाइम पेमेंट करना है और बहुत ही कम रखा है फीस, और बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर किया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट को पेंट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो जाके मुझे मैसेज करना अगर ज्वाइन करना चाहते हो। ड्राइंग स्केचिंग को भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो 3 महीने का ट्रेनिंग है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। फीस अभी बहुत ही मिनिमम है कुछ टाइम के लिए, 1 टाइम पेमेंट करना है आपको, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, बता देना कैसा लगा वीडियो। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जाना, तभी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, जो भी लगे फीडबैक दे देना। मिलते हैं कल, बाय बाय।